वेलकम टू शुभांगी मिश्रा शुक्ला व्लॉग्स। तो इट्स द नेक्स्ट डे आफ्टर द होली, सॉरी दिवाली कह रही हूँ। और आज हम लोग थोड़ा लेट उठे एंड नाउ आई एम रशिंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट। क्या बनाया ब्रेकफास्ट में भैया? पोहा। पोहा ठीक है। इडली नहीं बोली थी भैया ने? नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई नहीं, करते हैं ब्रेकफास्ट। और उधर देख लिया है Having water. Good morning. अच्छा उधर रखा होगा। ये गर्मा गर्म मेरा नाश्ता। कैसी तबीयत मम्मी अभी? हाँ ठीक है। ठीक नहीं लग रही लेकिन देख के फीवर चढ़ गया फिर से। तो गाइज अब हम लोग फाइनली जा रहे हैं, मैं और मम्मी अपने अपने आप को डॉक्टर को दिखाने। मेरी गले की इलाज की ज़रूरत है जो 2-3 महीने जिससे मैं बहुत ज़्यादा मतलब ट्राई कर चुकी हूँ डॉक्टर के आज मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद अलग अलग डॉक्टर के पास हॉप कर रही हूँ। तो फाइनली मम्मी और पापा के बहुत साल पुराने डॉक्टर हैं ना मम्मी, तो बहुत बार मम्मी पापा गए हैं और वो स्पेशलिस्ट हैं स्पेसिफिकली ये ENT ईयर नोज एंड थ्रोट। तो यस होपफुली मैं ठीक हो जाऊँ। और मम्मी का फीवर ऑन एंड ऑफ चल रहा है, चांसेस है कि वायरल है क्योंकि एक बार चढ़ रहा है एक बार उतर रहा है एक बार चढ़ रहा है उतर रहा है, तो वो भी कंफर्म करना है अदरवाइज बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी मम्मी को। और हम लोग पापा का वेट कर रहे हो, पापा को सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स पापा को पहचानते हैं। हम लोग पापा का बेनिफिट लेने के लिए उनको लेके जा रहे हैं। वो बेचारे बहुत डॉच कर रहे थे कि ये लोग मुझे ना लेके जाए, बट पापा बच नहीं पाए। तो अभी हम लोगों ने मम्मी को कर दिया है ड्रॉप, तब तक मम्मी अपना नंबर लेंगी किसी से, मैं भूल गई। तो फाइनली मैंने और मम्मी ने दिखा लिया है डॉक्टर्स को एंड थिंग्स आर फाइन। अगर 1 तारीख को सफर करना है हाँ तो हाँ तब मैं तो बाहर मत निकलिएगा। एक के पहले ओ डॉक्टर मम्मी को कि अगर ट्रेवल करना है 30 को अगर आपको तो उससे पहले बाहर मत निकलना। वैसे भी हम काम बाहर निकलते हैं। हाँ और मम्मी आपको भी तालाब होना मम्मी मना के चला हाँ। देखो ठीक है तालाब होना तो मना है। कल खाए हैं, कल से ही खांसी आ रही, वो पापड़ हाँ उसके पहले हमको खांसी नहीं थी। तो अभी सब ये सब बंद अपने यहाँ अभी के लिए भी सब बंद। अभी वो अलग मसाला अगर खराब हुआ ना तो फिर सबसे बड़ी बात तो तुम उसमें कैसे बोलोगे इसमें YouTube चैनल में धीमे धीमे बोलेंगी। वो खरीद लो बेटा जो यहाँ पे लगाते नहीं स्पीकर टी शर्ट पे। हाँ तो अभी धीमे बोलो। हाँ कम बोलना है धीमे बोलना है। आपको गर्मी लग रही होगी ना पीछे? सो गाइज अपडेट ये है कि मेरी आवाज़ अगर ठीक होनी है तो मुझे बहुत कम बोलना पड़ेगा क्योंकि डैमेज उतना तो नहीं है लेकिन है मतलब कंसिडरेबल है जिसको कंसिडर करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। और इस सिनेरियो में उन्होंने साफ साफ बोला कि कोई भी गार्गल नहीं करना है, कुछ स्टीम नहीं लेना है, कुछ लॉन्ग वॉन्ग नहीं खाना है, एवरीथिंग विल बैकफायर। ऑन कॉन्ट्रेरी ऑफ दैट उन्होंने तो ये बोला है कि मैं हाँ आगे बेटा कि मैं आइसक्रीम खाऊं, ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाऊं, गरम खाना भी नहीं खाऊं, मसालेदार नहीं खाऊं एंड ऑल दैट। सो यार डैमेज काफ़ी पुराना है तो टाइम भी लगेगा, इट विल टेक टाइम। ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट दैट थिंग। सो यार देयर वॉज वन इक्विपमेंट जिसके थ्रू उन्होंने पूरा देखा विखा एंड ऑल दैट स्टफ। यस और मम्मी की भी तबीयत होपफुली 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, शी विल बी रेडी टू ट्रेवल अगैन। और इट हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ कलर्स इन ऑल, जो वृंदावन में गए थे एंड बैक टू बैक हर दिन पूरा कलर ही कलर उनके ऊपर डाला गया है तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो उनको फीवर आ रहे हैं, उनको बैक पेन है, उनको हेडेक है, तो टाइमली मेडिसिन अब ले ली है डॉक्टर को दिखा के। सो ऑल ओके। सो यस अब मैं जा रही हूँ एडिटिंग करने, इसीलिए आई एम वेयरिंग दिस स्पेक्स। और ये मेरा कोई भी पावर का चश्मा नहीं है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट।
ये है मेरा स्क्रीन टाइमिंग के लिए ये है, तो एंटी ग्लेयर और ब्लू रेज के लिए या स्क्रीन से जो रेज निकलती हैं उससे प्रोटेक्टेड रहने के लिए ये स्पेक्स मैंने पहना हुआ है, दैट्स इट। चलो अब एडिटिंग करते हैं फटाफट फटाफट। सो गाइस अब रात हो चुकी है और मैं फाइनली आ चुकी हूँ वॉक करने के लिए अपने दी फेवरेट स्पॉट पे, यानी कि हमारे कॉलोनी के पार्क में। एंड यस पीपल आर टीजिंग मी लाइक पापा उमंग एंड एवरीबडी बिकॉज आई एम कंटिन्यूसली स्पीकिंग समथिंग और द अदर थिंग। डॉक्टर आस्क्ड मी नॉट टू अटर इवन अ वर्ड इफ इट इज़ नॉट नीडेड, टोल्ड मी इन दैट वे, बट इट्स ओके। सो हे गाइस दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड वी आर गोइंग टू स्लीप नाउ। काफ़ी आज भागम दौड़ी वाला दिन था, सो ज़्यादा कुछ तो शूट किया नहीं और ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं। आज का आज ही इंस्ट्रक्शन मिला, कितनी बार मैं ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, रिपीट करने में ही कितना कुछ बोल दिया मैंने, जबकि बोलने को बहुत कम बोला गया है। ये बोल ही तो है जो बोलने से रोक नहीं पाती। चलो इस गूफी नोट पे हम वीडियो को एंड करते हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप शेयरिंग माय वीडियोस एज मच एज यू कैन, इन दैट वे यू आर गोइंग टू हेल्प मी। टिल देन गुड नाइट।